हे गाइस, दिस इज अभिषेक मिश्रा। आज के दिन हम लोग मैथ्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसमें छोटे 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 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर आ जाएंगे तो आप बड़े बड़े चैप्टर्स को आसानी से कर सकेंगे। इस पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन एंड डिफरेंट लॉगरिथमिक फंक्शन एंड डिफरेंट मैनी मोर फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे पढ़कर आपको और भी बड़े चैप्टर्स करने में हेल्प मिलेगी। तो ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर के लिए एक फंडामेंटल तैयार कर जाता है। तो ये काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर है, नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस चैप्टर पे आज हम लोग इसका सब टॉपिक उठाएंगे, जो कि है मॉडुलस ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। स्टार्ट करने से पहले आपको आइडिया दिला दें, हर बच्चे ने कहीं ना कहीं छोटी क्लासों में अपने से 9th-10th की क्लास में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर हम लोग किसी भी एक रियल नंबर लाइक 2 का मॉड अगर ले लेते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आता है। या सपोज करें -3 ले लिया तो इसका आंसर आएगा 3। आपको ये हमेशा पता होगा कि मॉड लगाने पर उसका माइनस साइन हटा देते हैं, वैनिश कर देते हैं और सीधे सीधे हमको 3 आता है। और जो 2 है तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का भी पॉजिटिव ही आता है। मॉडुलस क्या बताता है एक्चुअली, जैसे आपके नंबर लाइन से समझने की कोशिश करें, नंबर लाइन पे ये हमारा 0 है, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन और कुछ नहीं, ओरिजिन से जिस भी रियल नंबर का मॉड लगा होता है उससे ओरिजिन की डिस्टेंस बताता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमारी 2 है, तो मॉड 2 हमको यही बता रहा है। इसको भी नंबर लाइन से हम समझ सकते हैं, 0, -1, -2, -3। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारी 3 मीटर जो भी है, 3 यूनिट वो बता रहा है मॉड माइनस 3। मॉड माइनस 3 जो ये 3 आंसर आ रहा है वो इस डिस्टेंस को बता रहा है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका जनरल फॉर्म आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए, मॉड एक्स इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ एक्स, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने किसी मॉड एक्स का एक वैल्यू ली और ये आ गया हमारा 5। कोई भी हमारा मॉड एक्स 5 आ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं मॉड एक्स, मैंने बार बार बताया, पॉजिटिव ही होगा। एक्स क्या हो सकता है, तो या तो एक्स हमारा +5 होगा या फिर -5 होगा। -5 का भी मॉड 5 आता है, +5 का भी मॉड 5 ही आएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, +-5, +-5 करके हम इसको लिख सकते हैं। अगर मॉड एक्स हमारा 5 है तो एक्स की वैल्यू +-5 आएगी। ये +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नंबर लाइन से भी आप इसको देख सकते हैं, 0, 5 and -5। ओरिजिन से डिस्टेंस ये भी 5 यूनिट है, ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ भी 5 यूनिट है। डिस्टेंस ओरिजिन से बताता है मॉड एक्स। इसको कुछ और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, लाइक अगर हमको मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स दे दिया और हमें इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या ये सही है, मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या ये हमेशा सही होगा। इसको चेक करने के लिए हम x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम 3 ले लिया, यहाँ पर भी 3 रख दिया x की जगह पर और यहाँ पर भी। मॉड 3 आपको पता है 3 होता है, तो आप देख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 3 आ गया, वेरीफाई हो गया। लेकिन एक और एग्जांपल इस पे पुट करके देखते हैं, लेट अस अज्यूम x की वैल्यू -5 है, x की जगह पर -5 आप रख दीजिए, आप देख सकते हैं -5 का मॉड 5 आता है, लेकिन यहाँ पर तो -5 है, ये तो गलत हो गया, 5 doesn't equals to -5। इससे हमें ये चीज़ पता चली
कि mod x की वैल्यू x हमेशा नहीं रहती है। यहाँ पर mod x की वैल्यू x नहीं होगी, mod x की वैल्यू अगर हमें 5 लाना था तो इसके आगे हमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना था, जिससे जब हम x की वैल्यू माइनस 5 रखें तो ये माइनस माइनस हो जाए कैंसिल और हमको मिल जाए 5 = 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग पे है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मॉड एक्स हमारा एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखा, मॉड एक्स एक्स भी है, मॉड एक्स माइनस एक्स भी है, लेकिन कब? जब एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, तब हमारा मॉड एक्स पॉजिटिव एक्स के बराबर आएगा। एंड व्हेन मॉड एक्स इज लेस, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, देन मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर छोटी वैल्यू कोई होगी, जीरो से कोई भी नेगेटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव नंबर, तो हमको मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, माइनस एक्स। और अगर हमको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या जीरो भी ले सकते हैं आप, तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स आ सकती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये की कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल समझते हैं या इसका ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, नंबर लाइन पे y = x का ग्राफ सभी को पता है ऐसा कुछ आता है, 45 लाइन बनाती हुई ऐसा कुछ। लेकिन x पर जब मॉड लग जाता है, y = x का ग्राफ ये आता है, लेकिन जब x पर मॉड लग जाता है तो ये x एक्सिस मिरर का काम करने लगती है और इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइक दिस, और ये ग्राफ हमारा बेकार हो जाता है। आप इसे देख सकते हैं, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे उस टाइम पर, हमें x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, माइनस 1 रखेंगे तो भी उस टाइम पर हमें 1 ही मिलेगी, माइनस 1 रखेंगे x की वैल्यू तो भी 1 मिलेगी। सिमिलरली आप अगर 2 रखेंगे तो भी 2 मिलेगी y की वैल्यू, और अगर आपने माइनस 2 रखा तो भी आपको 2 मिलेगा। आप ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं और ग्राफ जब बनाएंगे तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। y = mod x का ग्राफ है, y = mod x का ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। mod x की वैल्यू नीचे नहीं जा रही है, y एक्सिस के नीचे नहीं जा रही, केवल पॉजिटिव में ही है। मॉड एक्स की वैल्यू आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जितने भी एक्स होंगे वो मे बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव जा रहा है। ये वाई हमारा है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, एंड वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने इसका ग्राफ भी देख लिया वाई इक्वल टू मॉड एक्स का। अब हम लोग एक और की कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। जैसे हम लोगों ने बात करी एक्स स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आंसर क्या आएगा? अक्सर बच्चे इसको एक्स लिख देते हैं, आइए इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। लेट अस अज्यूम 2 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 के स्क्वायर को रूट हटेगा तो 1/2 पावर आ जाएगी। आप जानते हैं पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा, नॉट 4, दिस इज 2 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे 2 विच इज अंडर रूट 4, एंड 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट के अंदर ही, और रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे 4 बट माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, और पावर इसकी 1/2, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 तो है, बट यहाँ पर 2 इक्वल टू -2 आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग।
ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो ये गलत होने लगा? सारे स्टेप तो सही किए। गलती यहाँ पर ये थी, जब कभी हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना होता है तो हम लोग उसको सिंपल एक्स नहीं लिखते, हम लोग उसका मॉड ले लेते हैं। लाइक ये आंसर आएगा हमारा, और जब भी हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस टू यहाँ पर मॉड लगा देंगे और इसको टू बोलेंगे, तभी ये हमारा सही आंसर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स के इक्वल होता है, कभी भी एक्स नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 16, जैसे हमारा 4 है तो 16 का अंडर रूट कर देंगे तो 4 आएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 का होल स्क्वायर और रूट। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इन मॉड, लाइक माइनस 4 टू द पावर 2 एंड होल पावर 1/2 मॉड। 2 से 2 कैंसिल होने पर हमको माइनस 4 मॉड में मिलेगा, पर ये आंसर आएगा 4, जो कि 4 के इक्वल आ गया। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से चीज़ें हमको सीखने को मिल रही हैं। इसी पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस टू। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू जीरो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, रूट फाइंड करने है। आप सभी जानते हैं एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स लिख सकते हैं, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये हमारी मॉड एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन गई। फैक्टर करने पर हमको मिलेगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। मॉड एक्स कॉमन ले लेंगे, हमको मिलेगा मॉड एक्स माइनस टू यहाँ से प्लस वन मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। मॉड एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में मिला और एक ब्रैकेट में मिला मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। पहले ये दो नंबर प्रोडक्ट में है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये, तो एक बार इसको जीरो करके देखते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, और इसको अगर मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक हमारी एक्स में नहीं थी, मॉड एक्स की क्वाड्रेटिक थी, तो हमें मॉड एक्स के दो रूट मिलने चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट आते हैं एज यू ऑल नो, तो मॉड एक्स के दो रूट आने चाहिए, मॉड एक्स इक्व टू टू मॉड एक्स इक्व टू माइनस वन। लेकिन ये रूट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, doesn't satisfy, doesn't satisfy the quadratic equation, quadratic equation को satisfy नहीं कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं x के हमें चार रूट मिलने चाहिए और मॉड एक्स के दो रूट मिलने चाहिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए मॉड एक्स की वैल्यू आ गई थी टू, और मान लेते हैं मॉड एक्स की वैल्यू आ जाती वन, तो हमें एक्स की वैल्यू मिलती प्लस माइनस टू, और यहाँ से मिलती एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन। तो एक्स में हमें टोटल फोर वैल्यूज मिल गई और मॉड एक्स में दो, क्वाड्रेटिक मॉड एक्स की है तो हमें दो रूट मिलेंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी पर बेस्ड और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर मॉड एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके इसको भी हम मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर मॉड एक्स जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग माइनस थ्री मॉड एक्स
एन माइनस मॉड एक्स लिख सकते हैं प्लस थ्री, बहुत आसान सा फैक्टर है। मॉड एक्स कॉमन ले लेंगे, मॉड एक्स माइनस थ्री, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, मॉड एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। मॉड एक्स माइनस थ्री एक फैक्टर हो गया, मॉड एक्स माइनस वन दूसरा फैक्टर हो गया। एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स की वैल्यू थ्री आ गई, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस थ्री। यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू वन आ गई, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस वन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारी मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हमको कोई ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन, 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4, देन फाइंड मॉड x। हमें मॉड x की वैल्यू पता करनी है जबकि x लाई कर रहा है बिटवीन 2 एंड 4। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, नंबर लाइन से ये 0 है, ये 2 है और ये 4 है। नंबर लाइन से ये 2 है और ये हमारा 4 है। जो भी नंबर होंगे वो 2 और 4 के बीच में ही लाई करेंगे x में। आपको पता है जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सभी का मॉड पॉजिटिव ही आता है। इस रीज़न पे जितने भी नंबर लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और उन सभी का मॉड भी पॉजिटिव होगा। तो मॉड x भी 2 से 4 के बीच में ही लाई करेंगे। मॉड x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 4। अब ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज ब्रैकेट जिन दो नंबर्स के बीच में होते हैं, लगाए जाते हैं, उनको भी आपको सिलेक्ट करना होता है। ए और बी भी सिलेक्ट करने, इनके बीच जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको भी लेना होगा सेट में। जो सॉल्यूशन सेट होगा उसकी बात मैं बता रहा हूँ। जबकि ओपन ब्रैकेट का मतलब है अगर आपने ओपन ब्रैकेट लगा रखा है 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 को नहीं लेना है, इनके बीच के जितने भी नंबर्स आते हैं उन सभी को आप ले सकते हैं सॉल्यूशन सेट में। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा 2 to 4। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे कि हमने बोला माइनस थ्री एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी मॉड एक्स की वैल्यू पता करनी है। इसको करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। जब एक्स दो नेगेटिव नंबर के बीच पे लाई करता है तो उन नेगेटिव नंबर्स का आप मॉड ले लीजिए और नंबर लाइन पे अरेंज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स दो नेगेटिव नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो इनको आप मॉड ले लीजिए। माइनस वन का मॉड आता है 1 एंड 3 का मॉड आता है, माइनस थ्री का मॉड आता है 3। इनको आप नंबर लाइन पे ऐसे लगा दीजिए और आप देख सकते हैं एक्स इन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा था, माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में। तो हमें यही रीजन लेना होगा। ये हमारा आंसर आएगा एक्स मॉड एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 क्लोज ब्रैकेट। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। माइनस थ्री माइनस वन लिखा हुआ है, मॉड एक्स 1 से 3 इसलिए आया, दो नेगेटिव नंबर्स थे, उनको करने का मैंने तरीका बताया। इनके मॉड ले लीजिए, नंबर लाइन पर अरेंज कर लीजिए, फिर देखिए एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है। आप सोच रहे होंगे एक्स तो लाई कर रहा था माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में, आपने ले रखा है 1 से 3। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है। नंबर लाइन से आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, 0, -1 एंड -3, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें दी गई है। एक्स इनके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इस रीजन पे। इस रीजन पे हर एक नंबर नेगेटिव ही होगा, उस नेगेटिव का मॉड हमारा पॉजिटिव आएगा। तो जितने भी नंबर हैं वो 1 और 3 के बीच में होंगे और उनका अगर मॉड ले लेते हैं तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी कि -1 और -3 के मॉड लेकर जो हमें मिलेगा उसके बीच के ही नंबर हमें पिक करने होंगे।
अभी तक हम लोगों ने दो पॉजिटिव नंबर और दो नेगेटिव नंबर के बीच में x को लाई कराया। मान लीजिए अगर हमारा एक नेगेटिव नंबर आ जाए और दूसरा पॉजिटिव नंबर आ जाए, फिर हमें मॉड x की वैल्यू पता करनी हो, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का सबसे आसान तरीका है, आप जानते हैं -3, -5 और 3 के बीच में जीरो जरूर आता है। नंबर लाइन पे -5 से 3 के बीच में जब जीरो आता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यूनियन ऐसे, और इनके नंबर लाइन पे बना लेंगे। आई रिपीट, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होते हैं तो आपको इनके बीच में देखना है क्या जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो उनको जीरो में स्प्लिट कर लीजिए और फर्दर नंबर लाइन से बनाने की कोशिश कीजिए। जीरो -5 ये आ रहा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो यहाँ पर मॉड एक्स लाई करेगा हमेशा 0 से 5 के बीच में क्लोज इंटरवल, और यूनियन इसको नंबर लाइन से बनाएंगे 0 से 3। इस रीजन की बात चल रही है, पॉजिटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव आता है, तो मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 3 क्लोज ब्रैकेट। इन दोनों का यूनियन लेने पर आपको पता चलेगा कि मॉड एक्स हमारा 0 से 5 ही आएगा। यूनियन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, नंबर लाइन पे 0 से 3 है और 0 से 5 है, ये रीज़न और ये रीज़न में दोनों का यूनियन क्या होगा, 0 से 5 होगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो 0 पे स्प्लिट करके करते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पर, -2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, मॉड एक्स की वैल्यू पता करते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जीरो जरूर आएगा, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे। यहां पर जीरो से लेके -2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे नेगेटिव, उन सबका मॉड पॉजिटिव होगा, तो मॉड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू 2 यूनियन, यहां पर देखेंगे 0 टू 3 आ रहा है, जितने भी 0 से 3 के बीच में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे उन सभी का मॉड पॉजिटिव होता है, तो मॉड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू 3, इन दोनों का यूनियन हमारा मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 3 ही होगा। फाइनल आंसर हमारा ये है। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि कहीं क्वेश्चन के बीच पे अप्लाई हो सकते हैं और आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए आपको इन सभी का नॉलेज होना चाहिए। कभी ऐसे भी दिया जा सकता है x इज लेस देन 2, x हमारा 2 से छोटा है, एंड देन फाइंड मॉड x, हमें मॉड x की वैल्यू पता करनी है। आप जानते हैं नंबर लाइन पे 2 से छोटे नंबरों की ओर जब हम लोग चलेंगे इन्फिनिटी की ओर, हमको बीच में जीरो भी मिलेगा, यहाँ पर जीरो भी आता दिखेगा, और मैंने आपको बताया था जब कभी आपको जीरो मिल जाए बीच में तो इनको स्प्लिट कर लेते हैं। हमारे पास एक ये रीज़न हो गया और एक ये रीज़न हो गया। इस रीज़न जो कि जीरो से माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, आपको पता है नेगेटिव नंबर्स का मॉड हमेशा जीरो से इन्फिनिटी की ओर ही जाता है, जीरो से इन्फिनिटी की ओर ही जाता है, इन्फिनिटी की ओर ओपन ब्रैकेट मैंने लगाया है। और इस रीज़न का जो मॉड होगा जीरो से टू के बीच में, उसमें मॉड एक्स हमेशा जीरो से टू के बीच में ही जाएगा, जीरो से टू के बीच में जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं, एंड पॉजिटिव नंबर के मॉड भी पॉजिटिव आएंगे। यहाँ मैंने टू की ओर ओपन ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि आई इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। अगर आई इक्वालिटी होल्ड कर रही होती तो हम लोग इसको क्लोज कर देते, इक्वालिटी मतलब ये साइन। ओके, अब इन दोनों का यूनियन लेना है हमें। आप सभी जानते हैं इन दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर है सॉल्यूशन सेट का। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 का मतलब क्या है,
नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू जो कि राइट साइड हो चलने पर मिलेगी इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकती है। एक्स ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है जो माइनस थ्री से इन्फिनिटी के बीच में हमें मिलेंगे। इनके बीच में भी कहीं ना कहीं जीरो जरूर आएगा। इनको भी दो रीज़न में स्प्लिट करना ही ज़्यादा आसान तरीका है। इस रीज़न का जो हमारा आंसर आएगा, माइनस थ्री से ज़ीरो के बीच में नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स के जो मॉड होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर आ गया 0 to 3 क्लोज ब्रैकेट, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो मॉड होता है वो मॉड हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। इन दोनों का ही यूनियन अगर ले लें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा मॉड एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जीरो आने पर स्प्लिट कर देंगे और क्वेश्चन को यूनियन लेके सॉल्व कर लेंगे। मॉड एक्स की वैल्यू कैसे पता करते हैं, जब एक्स इनइक्वालिटीज़ में दिए जाते हैं पता किया हम लोगों ने। कुछ और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, स्टैंडर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, उन सभी की रेंज पता है -1 to 1 होती है रेंज, और टेन एक्स कॉट एक्स की रेंज हमें पता है, ऑल रियल नंबर्स होती है, सेक एक्स कॉसेक एक्स इन फंक्शन की जो हमारी रेंज होती है वो कुछ ऐसी होती है -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। रेंज क्या होती है, वाई की वो पॉसिबल वैल्यू जिस जो हमें फंक्शन में सेटिस्फाई कर रही है, वाई की वैल्यू, जबकि डोमेन एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर हमें मॉडुलस वैल्यू पता करनी हो, लाइक अगर इन सब पे मॉड लगा दें तो मॉड के बाद इनकी नई वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू तब नहीं रहेंगी, इनकी जो रेंज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। मॉड साइन एक्स एंड मॉड कॉस एक्स की जो रेंज होगी -1 to 1 की जगह 0 to 1 हो जाएगी। यहाँ पर टेन एक्स और कॉट एक्स ऑल रियल नंबर थे लेकिन हमारी 0 to infinity होगी, और सेक एक्स और कॉसेक एक्स की हमारी 1 to infinity होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में ये वन से वन होता था, -1 ग्राफ कुछ ऐसे चलता था, माइनस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलेंगे। इन सभी पे आप देख सकते हैं अगर मॉड लगा दें तो हमारा जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन है वो सब ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव पोर्शन सारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये मिरर की तरीके काम करता है, और क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 0 to 1, 0 to infinity, 1 to infinity। ग्राफ का रोल अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं ज़्यादा, अभी केवल फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं। हम लोग मॉडुलस फंक्शन की हेल्प से कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है fx=(1/√x-mod x), चेक करना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मॉड एक्स को हम लोग एक प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ चुके हैं कि स्प्लिट होता है एक्स और माइनस एक्स में। एक्स में आता है तब जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है, और माइनस एक्स आता है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है तब माइनस एक्स आता है। यहाँ पर अगर हम 1/√x-mod x की जगह पर एक्स रख देते हैं, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और 1/√x-(-x) यानी प्लस एक्स, कब, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ये हमारा फंक्शन आएगा। आप देख सकते हैं एक्स एक्स जीरो हो गया तो यहाँ पे अंडर रूट जीरो बना, और ये हो गया अंडर रूट टू एक्स,
ये पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होनी चाहिए, इट मीन्स नेगेटिव, और रूट में भी होना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमारी इमेजिनरी नंबर्स होती हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने मॉड फंक्शन की हेल्प से, मॉडुलस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोगों ने कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं ये भी पता कर लिया। इसी पर एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रॉपर्टी पर। जी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस मॉड एक्स, यहाँ पर भी सेम वही प्रॉपर्टी, एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो, मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हम लोग स्प्लिट करेंगे अगर, तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स आएगा जब आप एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो मानेंगे, और वन अपॉन अंडर रूट एक्स मॉड एक्स को माइनस एक्स रख देंगे, एक्स मॉड एक्स जो होगा नेगेटिव एक्स से ओपन होगा व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो। ये हमारा फंक्शन आएगा जी एक्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स एक्स ज़ीरो हो गया, तो ये हमारा आ गया अंडर रूट ज़ीरो जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा आ गया 2x। अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी, कोई भी x की वैल्यू 0 से बड़ी यहां रख सकते हैं, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। जी एक्स केवल इसी फंक्शन पे एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने मॉडुलस फंक्शन का ये पहला लेक्चर उम्मीद है अच्छे से समझा होगा, और इस पे बेस्ड और भी प्रॉपर्टीज़ और भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू।